आज एक न्यूज चैनल पर विश्लेषण दिखाया जा रहा था जिसमें ये बताया गया कि चीन में हजारों शवों को उनके परिवार से पूछे बिना कहां दफनाया गया ये केवल सरकार जानती है। इटली में किसी भी शव को कोई कंधा देने नहीं आ रहा। वे इंसान जब जिंदा थे तो अकेले हो गए थे और मरे तो लावारिस। चलो सही है, कोरोना ने इंसान का असली रूप दिखा दिया, लेकिन भारतीयों द्वारा सोशल मीडिया पर कोरोना जैसी भयंकर बीमारी पर मजाक चल रहा है। टिकटॉक पर हर दिन हजारों वीडियो हंस हंस कर कोरोना पर बनाई जा रही हैं। लाखों जोक्स फेसबुक पर अपलोड हो रहे हैं। कुछ लोग घर से बाहर निकलकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। आप सब ध्यान से सुन लो, अगर महीने तक जिंदा रहना है तो सीरियस हो जाओ, वरना आने वाले दो सप्ताहों की कल्पना करना भी मुश्किल होगी। देश दुनिया में कोई मुसीबत भारत के लोगों के मजाक हंसी ठिठोली का साधन बन जाती है। पूरी दुनिया में कोहराम मचाए कोविड-19 का जितना मजाक भारत में बन रहा है, उसका आधा मजाक भी पूरी दुनिया के लोग मिलकर नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि चीन, जापान, फ्रांस, इटली, ईरान समेत तमाम देशों ने अपनी आंखों के सामने अपनों की लाशें देखी हैं। उनको इसके खतरे का ना सिर्फ अंदाजा हुआ है बल्कि उसे भुगता भी है। भारत में अभी सिर्फ 8 लाशें सामने आई हैं, क्योंकि अभी हम वायरस फैलने के सेकेंड स्टेज पर चल रहे हैं। कल्पना करना मुश्किल होगा जिस दिन ये तीसरी स्टेज पर पहुंचेगी। जिन देशों में ये तीसरे चरण में पहुंचा, उससे 100 गुना बुरी हालत भारत की होगी, क्योंकि यहाँ के लोगों को इस वायरस के प्रकोप से बचने की बजाय उसकी मजाक बनाने में वक्त बीत रहा है। मेरे एक दोस्त ने कल मुझसे हाथ मिलाने की कोशिश की। मैंने हाथ जोड़ दिए तो उन्होंने मेरा मजाक बनाने के लिए वे दूसरे व्यक्ति के गले मिल लिए। बोले, देख मुझे कैसे होता है कोरोना। उनके इस अंदाज ने मुझे भारत में कोरोना वायरस के तीसरे स्टेज की कल्पना का भयानक दृश्य सामने ला दिया। वजह ये है कि विदेश में सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन वो अपनी सरकार के प्रत्येक आदेश का गंभीरता से पालन करते हैं, और जो पालन नहीं करते उनके साथ वहाँ की सेना पालन करवाना जानती है। हमारे देश में हम जाति, धर्म, राज्य, राजनीतिक पार्टी और शेखी बगाड़ने के लिए नियमों को तोड़ने में आनंदित होते हैं। जिस दिन मजाक बनाने वाले की माँ, बाप, पत्नी, बेटा, बेटी या कोई और करीबी इसकी चपेट में आ गया, उस दिन उनकी सारी मजाक धरी की धरी रह जाएगी, और फिर चुनाव के वक्त वे सरकार को कोसेंगे कि सरकार ने हमारे परिजन की जान नहीं बचाई या पर्याप्त उपचार नहीं मिला। सरकार अभी इलाज के मामले में कई देशों से आगे है, लेकिन जिस तरह वहाँ की जनता ने वहाँ की सरकारों का साथ दिया, उस तरह हम भी अपनी केंद्र और अपनी राज्य सरकार के आदेशों का पालन करें, गंभीर हो जाए, वरना आने वाले 2 सप्ताह बाद वो नजारा देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना नहीं कर पाओगे। पता नहीं कल्पना करने लायक बचोगे भी या नहीं, पर अगर सरकार का साथ दिया, सही तरीके से चले, खुद पर और परिवार पर ध्यान दिया, तो हमारे डॉक्टरों के पास इसका पूरा इलाज है। अभी तक 24 लोग ठीक करके घर भेज दिए हैं। जो भर्ती हैं, उनमें से ज्यादातर की तबीयत में सुधार हो रहा है। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्लीज अपने भविष्य को बचाने के लिए अपने वर्तमान में थोड़ी सावधानी बरतें। क्या होगा अगर कुछ दिन दोस्तों के साथ बात नहीं कर पाओगे, फोन कर लो। क्या होगा अगर कुछ दिन बाजार नहीं जाओगे, नंगे तो नहीं हो, इतने कपड़े तो घर पर होंगे। क्या होगा अगर अपनी मांगे मनवाने के लिए कुछ दिन धरना प्रदर्शन विरोध नहीं करोगे, जब सब ठीक हो जाए तब कर लेना। क्या होगा अगर घूमने नहीं जाओगे तो, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तब चले जाना। क्या होगा अगर दिन में 10 बार हाथ धो लोगे। क्या होगा अगर मजाक उड़ाने की बजाय लोगों को जागरूक करने के लिए मैसेज करें। क्या होगा जो जागरूक मैसेज दूसरों को फॉरवर्ड करते हो, उसका खुद भी पालन कर लोगे। क्या फर्क पड़ता है कि सरकार किसकी है और वे क्या कह रहे हैं, मतलब इतना रखो कि वो आपके हित के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मौत ना जाति, ना धर्म, ना क्षेत्र, ना उम्र, ना राज्य, ना इलाका, ना लिंग और ना सूरत देखकर आती है। इसलिए मेरी विनम्र अपील है, अभी वक्त है, मान जाओ। ये वीडियो देख मुंह टेढ़ा करने की बजाय जितने शब्द अच्छे लगे उसे पालन कर लो, वरना कुछ लोगों के लिए वीडियो बनाने वाले की वीडियो पर कुर्तक और तर्क करने की आदत होती है, और तर्क कुर्तक भी करना है तो कर लेंगे 4 महीने बाद, जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अभी अपनी, अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों के हित में सोचें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो चलेगा, बस अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।